हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे सिक्योरिटी की के बारे में। जैसे जो भी आप लोग को प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे आईडी नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब मैच नहीं कर रहा था, बट मैच नहीं करने के बाद आपको इसमें कैसा ओपन करना होता है, किस तरह से ओपन करना होता है, अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट मैच करता है आईडी नेम से तो कैसे अपलोड करेंगे और कैसे ओपन करेंगे, मोबाइल नंबर खो जाता है, जीमेल खो जाता है, सब इसी के वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम चल रहा है, आज से नहीं बहुत दिनों से आप लोगों को चल रहा होगा, लेकिन अभी तक आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो आज इस वीडियो में कुछ अलग बताएंगे। जो भी इसके पहले वीडियो देखे थे वो इससे अलग होने वाला है, उस वीडियो से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक ऐप से रिलेटेड काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों, जब आप लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हैं तो मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाता है, जीमेल पे ओटीपी जाता है, लेकिन आज इस वीडियो में बताएंगे एकदम न्यू ट्रिक। ये ट्रिक अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका भी अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा, लेकिन किस तरह से करना है आज इस वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर यह सिक्योरिटी की ओपन क्यों नहीं होता है। सबसे पहले क्यों नहीं होता है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे आपको न्यू ट्रिक। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, ये नहीं कि आपको स्क्रॉल करके आगे बढ़ा कर देख लेना है, ऐसे आप लोग को होने वाला नहीं है ओपन। जब तक आप लोग वीडियो को नहीं समझ लेते हैं तब तक आपका अकाउंट ओपनिंग होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को समझिए, फॉलो द रूल, रूल को फॉलो कीजिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह के आपको फॉलो करना होगा। जब तक आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तब तक आप लोग को ओपन होने वाला नहीं है। कितने लोग मेरे पास आके कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आपका वीडियो इस तरह के बना रहे हैं लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये आप लोग कहाँ ध्यान दे रहे हैं, वीडियो में पहले समझिए दोस्त कि किस तरह से आई डी ओपन होता है, इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, मोबाइल नंबर खो जाता है, जीमेल खो जाता है, लेकिन ये सब आपको पता ही नहीं होता है। बस आप लोग बोल देते हो कि फिर फेक वीडियो रहता है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से वीडियो बनता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। रूल को फॉलो करते हैं ना तब जाके आपको ओपन होगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप लोग वीडियो देख के आसानी से ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग तो समझते ही नहीं हो और डायरेक्ट बोल देते हो कि फेक वीडियो होता है, फेक वीडियो नहीं होता है दोस्तों, ऐसे आप लोग जान लीजिए। अगर आप लोग न्यू ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, और किस तरह से ओपनिंग करना होता है सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जिनका मोबाइल नंबर खो जाता है उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और जिनका जीमेल भी खो जाता है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे जब आप लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हैं इस तरह के आपको नोटिस आ रहा होगा, यहाँ पे आपको आ रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन। जब आप लोग फेसबुक अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद क्या होता है कि अदर डिवाइस में जब आप लोग लॉगिन करने जाते हैं लेकिन वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। तो ओटीपी कैसे आएगा, जब आपका मोबाइल नंबर पे खो जाएगा तो ओटीपी कैसे आएगा, वही तो आप लोग को समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझते नहीं हो। जब आपको मोबाइल नंबर जीमेल खो जाता है तो ऐसे स्थिति में डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना अकाउंट कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को कि कौन सी डॉक्यूमेंट, जो स्कूल या कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, आधार कार्ड होता होगा आपके पास, पैन कार्ड होता होगा, अगर आपको पास डमी आधार कार्ड नहीं है तो आप बना भी सकते हैं, उसके लिए वीडियो बना हुआ है, चैनल पर अपलोड है कि डमी आधार कार्ड कैसे बनाएं, डमी आधार कार्ड बना के आप आसानी से ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो समझते ही नहीं हो कि किस तरह से ओपन होता है। देखिए, जब आप लोग को मोबाइल नंबर खो जाता है, खो जाने के बाद जैसे ही ओटीपी रिसीव होता है और ओटीपी डालने के बाद फिलअप करने के बाद सबमिट जैसे ही करते हैं तो आपका लॉगिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर खो जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू नंबर अपडेट कर सकते हैं। ये कल मैंने रिसर्च किए थे, रिसर्च करते करते ये अपडेट आया कि आप यहाँ पे न्यू नंबर डाल के अपना अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं,
यहाँ पे ईमेल या मोबाइल नंबर डाल के अपना उस पे कोड ला सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर, जब सबसे पहले फर्स्ट में आपको व्हाट्सएप दिख रहा होगा और जीमेल दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे अपना ओटीपी रिसीव करके अपना अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। जब आप लोग लॉगिन करने जाइएगा तो आपको सबसे पहले ओटीपी खोजेगा, लेकिन वहाँ पे मोबाइल नंबर खो गया है। मोबाइल नंबर खो जाने के बाद आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है। अगर आप लोग को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम चल रहा है तो अपना अकाउंट में वेरीफाई कीजिए न्यू नंबर। तो न्यू नंबर किस तरह से वेरीफाई करेंगे वो आप लोग को इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। यही नया तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। इसके पहले जितने ही बनाए हैं वो भी तरीका से ओपन होता है, लेकिन आप लोग को फिर भी वो सब करने के बाद ओपन नहीं हुआ है, तो ये नया तरीका लाया हूँ, ये आपको फॉलो करना होगा। फॉलो करते हैं तो आपको भी आईडी रिकवरी हो जाएगा। तो न्यू नंबर किस तरह से वेरीफाई करेंगे, न्यू नंबर जीमेल किस तरह से वेरीफाई करेंगे, मोबाइल नंबर और जीमेल दोनों यहाँ पे वेरीफाई करके अपना अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से जो अकाउंट में ईमेल ऐड था वो जीमेल से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें नया जीमेल या न्यू नंबर इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, किस तरह से वेरीफाई करना है आप लोग वीडियो में बने रहिए। मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप लोग भी मोबाइल नंबर या जीमेल वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। ओनली यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, न्यू मोबाइल नंबर जो पहले से आपका ऐड था वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर वेरीफाई करके अपना अकाउंट में ओपनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेरीफाई करने से पहले दोस्तों क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे सर्च कीजिएगा फेसबुक मोबाइल वेरिफिकेशन, इस तरह के आपको लिखने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरह से नोटिस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फिनिश क्रिएट योर फेसबुक अकाउंट एंड अकाउंट कंफर्म योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह के आपको आ जाएगा ऑप्शन। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आना है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस तरह से हमारा अपडेट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिनिश क्रिएट योर अकाउंट फेसबुक अकाउंट एंड मोबाइल नंबर और जीमेल यहाँ पे दिख रहा होगा, कंफर्म योर जीमेल और मोबाइल नंबर। इस तरह के इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आप लोग इस तरह के आप ये सब पढ़ भी सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो रूल को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग मोबाइल नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करिएगा, अगर आप लोग जीमेल वेरीफाई करना चाहते हैं दोस्तों तो इस पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके दिखाएंगे, तो मोबाइल नंबर पे वेरीफाई करने के लिए इस पे हमको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही इस तरह के आपको इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चेक द मोबाइल नंबर एंट्री, इस तरह के आपको आने के बाद फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मोबाइल नंबर फ्रॉम अकाउंट कंफर्मेशन स्क्रीन चेंज मोबाइल नंबर कंटिन्यू। यहाँ पे जो पहले से मोबाइल नंबर था उसका आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए रीसेंड मैसेज, जो आप लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाए थे वो न्यू नंबर पे आपको ओटीपी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जीमेल का प्रोसेस दिया हुआ है, जीमेल का अकाउंट यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यूज योर मोबाइल नंबर फ्रॉम अकाउंट कंफर्मेशन, यहाँ पे जीमेल अकाउंट कंफर्म और यहाँ पे कंटिन्यू, जीमेल भी करके भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिख रहा होगा यस या नो वाला आइकन दिख रहा होगा, नो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे इस तरह के नोटिस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं उस पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल देना है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर के साइड में देख सकते हैं रिसीव अ रिप्लाई प्लीज डोंट टू लर्निंग फेसबुक सेम टू रिपोर्ट, फेसबुक के खिलाफ यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है कि हमारा मोबाइल नंबर खो चुका है, अब दूसरे नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे लिखना है हेलो फेसबुक टीम, हेलो फेसबुक टीम। उसके बाद आप लोग को लिखना है मोबाइल नंबर एड टू अकाउंट, इस तरह के लिखना है दोस्त। और आपको जो भी आईडी नेम रहेगा वो आपको यहाँ पे आईडी नेम डाल दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे डॉट आउट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यूजर नेम डाल दीजिएगा, यूजर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे डॉट आउट कर देता हूँ, आप लोग अपना नेम वहाँ पे आईडी नेम डाल लीजिएगा। और जो पहले से आपका यहाँ पे ऑलरेडी लिखिएगा READY ऑलरेडी
ऐड मोबाइल नंबर, इस पे आपको डॉट डॉट करके यहाँ पे पहले से जो मोबाइल नंबर ऐड था वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। अब यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर, न्यू मोबाइल नंबर जो आप लोग अभी मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे हम डॉट डॉट करके डाल देता हूँ, आप लोग यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्लीज वेरिफिकेशन, प्लीज वेरीफाई द फेसबुक अकाउंट, फेसबुक सिक्योरिटी की इन एडेड द मोबाइल नंबर, इस तरह का आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है थैंक्स। थैंक्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाला आइकन दिख रहा होगा, सबमिट वाला आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों। सबमिट वाला पे जैसे ही आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा कि योर फीडबैक हेल्प इम्प्रूव द एंसर की। ये जो भी आपको इस तरह के करने के बाद आपको 24 से 48 घंटे में आपको यहाँ से मोबाइल नंबर या जीमेल वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही वेरीफाई कर देते हैं, आपको यहाँ से 2 से 3 दिन तक वेट करना है, उसके पहले एक बार भी आईडी लॉगिंग नहीं करना है। अगर आप लोग इस तरह के नोटिस डाल देने के बाद आप लोग लॉगिंग कर लेते हैं सिक्योरिटी की वाला प्रोग्राम, तो आपको यहाँ से रिक्वेस्ट हट जाएगा। इसीलिए आपको बता देता हूँ कि 2 से 3 दिन तक अपना अकाउंट लॉगिंग नहीं कीजिएगा। 4 दिन के चौथे दिन जब हो जाता है तो अकाउंट लॉगिन कीजिएगा, तो आपको न्यू नंबर पे आपका ओटीपी मिल जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए आप लोग को फुल तरीका बता दिए हैं। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ये वीडियो कैसा लगा, और काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत लगता है दोस्तों, तो आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। मान लीजिए आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आया, तो शुरू से एंड तक देखिए। आप भी अपना अकाउंट मोबाइल न्यू मोबाइल नंबर वेरीफाई करके अपना अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। इसके पहले जितने भी सारे वीडियो बनाए थे कि आपका मोबाइल नंबर खो जाने के बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना अकाउंट कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैसेज या कमेंट आ रहा था कि आपका यहाँ पे फेक वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन आप लोग तो समझते ही नहीं हो कि किस तरह से अपलोड करना है। सही तरीका से आप लोग अपलोड करते हैं दोस्तों, तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम रहता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा इस तरह के प्रॉब्लम चल रहा है, उस पर भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। जब तक आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है दोस्तों, तब तक हम ढंग से बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाता हूँ आपको लिए। जब तक आप लोग को हेल्प नहीं करेंगे, तब तक हम बैठने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों जो भी आपका प्रॉब्लम रहता है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैसेज में बताइए किस तरह के प्रॉब्लम है, वीडियो बना के अपलोड कर दीजिए, हम ओपनिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो। जब तक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे हमारा वीडियो, तब तक आपका ओपनिंग होने वाला नहीं है। तो फॉलो द रूल, जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से आपको फॉलो करना ही होगा। फॉलो करते हैं तो आपका भी आईडी ओपन हो जाएगा। इस तरह के वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।